ये देखिए तरोई बोई हुई है और ये पूरा का पूरा खेत ये तरोई का है। यहाँ दादाजी कुछ घास काट रहे हैं तो हम अभी उनके पास में चलेंगे और ये दिखाएंगे कि ये तरोई किस तरह से यहाँ पर तैयार करते हैं। यो सब तुम निमा सब कर रहे हो? अच्छा अच्छा पूरा खेत जो बोए हो तो ये सब इसकी देख रेख तुम कर रहे हो? हाँ कई थे। अच्छा और उधर का बोए हो? मेरे पलाकी आ गई। पलाकी? अच्छा इधर दादाजी इधर इधर बात करो जरा सामने है ना, तो तुम्हारे खेत के पूरा जो है कैसे यो तैयार कर दियो तो यो ईमा तुरई में यहाँ कुछ रोग ऐसा लग रहा है जैसे लगा थे को कुछ ऐसा है का है सब खर रहा है मालूम नहीं। अच्छा तो दवाई छिड़के कि नहीं छिड़के ईमा? छिड़का तो गवा है लेकिन तो बहुत बरसात है मौसम ना ऐसा ही हो रहा तो गड़बड़ कर। अच्छा अभी के बाद का खेती करी हो ईमा? अभी के बाद देखो फिर ऊपर वाले की मर्जी है, बरसी ज्यादा तो धान लगे हैं। अच्छा अच्छा नहीं बरसी तो पड़ी रही है। हाँ तो ये तुराई टूट चल रही है इस समय? तोड़ रहे हो नहीं तोड़ रहे हो मैं? निखरे लगी हाँ भाई तूल लग गया है थोड़ी। अच्छा यही है 6-7 रुपये तुराई निखरी है, 30-35 किलो भाई निखरी। अच्छा 30-35 किलो तो यहाँ से जो मार्केट है दुबग्गा या गल्ला मंडी जाते हैं। दुबग्गा तो बहुत दूर पड़ जाती है। निखिल दूर पड़ जाते ठीक तो है, मंडी तो ठीक है यहाँ से निवा। अच्छा बड़ी मंडी है वहाँ मान चलो अब कम निखर रहे हैं तब हुआ या सैली निखरती तब हुआ बिक तो जाते है जरूर बिकत मद्दा चाहे बिके 10 रुपया निकल बिक जाते बिक जाती है। तो दादाजी देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वहाँ दुबग्गा या गल्ला मंडी ले जाते हैं और यहाँ पर ये देखिए तुरई हम आपको यहाँ पर किस प्रकार से ये सब्जी जिसकी आप लोग खाते हैं यहाँ पर ये देखिए पूरा खेत है और ये देखिए तरोई यहाँ पर दादाजी ने बोया है और जिस जो पूरे खेत में आप देखिए कि ये तरोई का यहाँ पर ये फार्मिंग करते हैं। तो यहाँ पर और भी इधर यहाँ पर देखिए ये तरोई है और यहाँ पर ये देखिए छोटी सी तरोई किस तरह से ये छोटी होती है फिर उसके बाद बड़ी हो जाती है और उसके फूल देखिए कैसे होते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ पर ये फूल हैं ये देखिए और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए पीले पीले ये फूल हैं उसके बाद ये होता है फिर तरोई उसमें बन जाती है। तो तरोई आपने देखा कि किस प्रकार से ये तरोई यहाँ पर दादाजी अपना उगा रहे हैं और उसका खेत में तोड़ करके फिर मंडी ले जाते हैं। तो यहाँ पर जो खेत है देखिए यहाँ पर आम की बाग लगी हुई है और आम के बाग के पास में ये खेत तरोई की खेती हो रही है और इधर दादाजी हमारे यहाँ पालक की खेती जो लोग पालक की लोग दाल बनाते हैं सब्जी में इस्तेमाल होता है और उधर ये गांव है गांव के किनारे का ये खेत है। यहाँ पर देखिए ये पालक यहाँ पर पूरा लंबा लंबा ये खेत है यहाँ पर पालक की खेती कर रहे हैं और ये तालाब है तालाब के किनारे देखिए गांववासी अपना भैंस चरा रहे हैं और कुत्ता भी टहल रहा है और उधर किनारे भी भैंस अपना चारा खा रही है लोग बाग अपना अपना काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो यहाँ चारों तरफ का हमने नज़ारा आपको दिखाया उधर देखिए आम की बाग है फिर गेहूं की फार्मिंग इधर होती है और यहाँ पर देखिए ये आम का पेड़ लगा हुआ है देखिए आम भी उसमें लगा हुआ है और बहुत बढ़िया जो है छोटे छोटे आम भी हैं उसके बाद बड़े होंगे। तो हमने चारों तरफ का नज़ारा दिखाया देखिए दादाजी घास को ये काटा है और यहाँ पर घास देखिए अपनी गाय भैंस जो होगी उसको यहाँ पर ये देखिए खेत में घास ये निकाला है जिससे कि खरपतवार ना हो साफ़ सुथरा खेत हो। यहाँ पर ये देखिए खुरपी से काटा है अभी खुरपी दादाजी दिखाइए खुरपी ये देखिए इस खुरपी से इन्होंने घास को यहाँ पर ये काटा है और इसको अपने भैंस गाय जो भी होगी उसको खिलाएंगे। तो यहाँ पर ये देखो छोटी छोटी आम लगे हुए हैं और कोयल बोल रही है कोयल की कूक बहुत ही मशहूर है
और ये देखिए आम कितने प्यारे प्यारे से लगे हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए छोटा सा। और यहाँ पर देखिए ये बकरी यहाँ पर आ गई हैं जो कि इसमें पत्ता खा रही हैं यहाँ पर। और ये आम बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। धन्यवाद।